Hey YouTube, currently I'm at Royal Enfield service station. So my bike has got serviced. So let's ride it and check whether is it okay or not. Huh? Where is that? बाइक तो एकदम खन खन दिख रही है, एकदम मस्त धो भी गए और सही है बाइक भी। वाओ, बहुत स्मूथ है अभी। से यू टर्न ले लेते हैं, अभी तो सही लग रहा है बाइक, कोई इश्यू तो दिखाई नहीं दे रहा है। ऑलमोस्ट 900 रुपये चार्ज किया है उन्होंने पर सर्विस का, ऑयल का कुछ ज़्यादा, जीएसटी ये वो सब मिला के 900 रुपये राउंड फिगर कर चुके हैं। सही है, अभी बिल पेमेंट करते हैं। एसी तो मतलब आ रहा है। सो चेन ल्यूब हो रहा है अभी, चेन ल्यूब होने के बाद निकल जाएंगे। लुकिंग गॉर्जियस ना, इधर स्क्रैच अड्ड है। हाँ, स्क्रैच होते हैं अंदर। देयर वाज अ स्मॉल स्क्रैच जो पहले नहीं था, स्क्रैच होता है। सो डन विद द सर्विस, और मक्खन है यार गाड़ी। अभी भगा सकते थोड़ा इसको, क्योंकि फर्स्ट सर्विस कंप्लीट हो चुका है तो भगा सकते थोड़ा। और टैंक को छोटा सा स्क्रैच गिरा था, लेकिन उन्होंने कुछ कर्पेंटाइल या कुछ पेट्रोल लगा के जैसे ही रब किया उन्होंने, वो स्क्रैच निकल गया था। तो कोई बड़ा इश्यू नहीं था एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड फाइन। लेकिन यार 900 रुपये समझ में नहीं आया कुछ मेरे को फर्स्ट सर्विस का। जब मेरा BS3 था जब तो मेरे को 500-600 रुपये हो गए, 500 रुपये में हो गया था फर्स्ट सर्विसिंग। लेकिन अभी GST VST भी ऐड हुआ है ना, तो मेरे ख्याल से वही होगा एडिशनल टैक्स और ये, उसके वजह से थोड़ा अमाउंट बढ़ गया होगा। तो कोई बात नहीं, गाड़ी तो परफेक्टली फाइन है अभी। जब तक गाड़ी परफेक्टली फाइन है कोई टेंशन नहीं, अगर गाड़ी कुछ प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स दिखाने लगी तो तब दिखने लगते हैं तारे। फिर इंजन ऑयल चेंज किया उन्होंने, ऑयल फिल्टर चेंज किया एंड सो ऑन। अभी मेरे को इसका टैंक प्रोटेक्ट करना है, तो इसका टैंक प्रोटेक्ट करने के लिए इसका क्या कर रहा हूँ मैं अभी, मैं इसको वही सोच रहा हूँ। अगर किसी को पता है कि इसका टैंक, हिमालयन का टैंक कैसे प्रोटेक्ट करते हैं स्क्रैचेस से, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि ज़रूरी है यार। क्योंकि जब टैंक आइनॉक्स का टैंक बैग वो सब लगाते हैं तो कंपलसरी स्क्रैचेस तो गिरेंगे कैसा भी, तो इसके लिए उसको उस स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। टेफ्लॉन नहीं कर सकते इसके ऊपर, क्योंकि मैट फिनिश है ना, फिर मैट फिनिश पे टेफ्लॉन करे तो फिर ग्लॉसी हो जाता उन्हें, तो वो है। अगर आप में से किसी को पता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, इट विल बी रियली हेल्पफुल। तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। एक खाली एक अपडेट ब्लॉग है
कि सर्विस हो चुका है फर्स्ट सर्विस, और फर्स्ट सर्विस का चार्ज कितना हुआ है बोल के आप सबको इन्फॉर्म करने के लिए। अगर कम्युनिटी टैब होता तो पिक्चर विक्चर पोस्ट करके स्टेटस डाल देता, मगर अपने को नहीं है ना अभी, तो फिलहाल तो नहीं है ना, तो इसीलिए अपडेट बनाने के लिए भी ब्लॉग बनाना पड़ता है। और देख रहे हमारे उपल का हालत, जहाँ बोले वहाँ खोद रहे खाली, और खोद रहे, खोदने के बाद रोड डालते बोले तो वो भी नहीं, खाली खोद के छोड़ देते और वो कच्चा रोड बन जाता, और हम पब्लिक को उसमें दम, पता ही होगा आपको, समझदार है आप, किसमें दम होता है। गाड़ी चला रहा है या बैलगाड़ी, जो कैरियर रैक है वो भी चेंज करना था वारंटी के अंदर, लेकिन अभी स्टॉक नहीं है कहते, इसलिए चेंज नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड सर्विस में या स्टॉक आते ही वो भी चेंज करना है, क्योंकि वो जब मैं डिलीवरी ले रहा था तो तभी था वो, तो छोटा सा है अभी, उसके लिए गाड़ी अच्छी थी, इतने छोटे के लिए फिर दूसरी गाड़ी सही नहीं समझा मैंने, बट मैं डिलीवरी ले लिया। मंडे के दिन रजिस्ट्रेशन कराना है परमानेंट, वो मंडे के दिन वो काम हो जाएगा। एक बार परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो गया, फर्स्ट सर्विस भी हो गया, नाउ वी कैन प्लान फॉर सम सीरियस स्टफ, शॉर्ट राइड्स हो या लॉन्ग राइड्स हो, वी कैन डेफिनेटली प्लान नाउ। हिमालयन इज परफेक्ट फॉर आर इंडियन रोड्स। देख रहे हो हमारे उपल में थोड़ा कैसे, यहाँ पे काम हुआ था परसों, अभी ऐसे ही रहेगा, इसको कोई यहाँ पे रोड वीड कुछ नहीं गिरने वाला है। सो वी आर ऑलमोस्ट घर के नज़दीक तक आ चुके हैं, सो गाइस विद दैट सेड आई विल एंड दिस व्लॉग ओवर हियर। Hope you like this small update regarding the first service of my Royal Enfield Himalayan BS4. So do wear your helmet, ride safe, and bye bye.